मुरैना के बटेश्वरा मंदिर परिसर में पहली बार तानसेन समारोह का आयोजन किया गया। गुरुवार को ग्वालियर, इंदौर, दिल्ली के कलाकारों ने सर्दी व गुनगुनी धूप के बीच सुर और संगीत की मधुर बारिश कर दी, जिसे सुन श्रोता भी मंत्रमुग्ध दिखाई दिए। गौरतलब है कि इस बार 58वां तानसेन संगीत समारोह मनाया जा रहा है, जिसके तहत पहली बार मुरैना जिले के बटेश्वरा को भी चुना गया है। गुरुवार को इंदौर के विवेक नवले ने तबला, ग्वालियर की साधना गोरे ने गायन और दिल्ली के प्रभात कुमार ने सरोद के सुरों बटेश्वर परिसर को संगीतमय कर दिया। इंदौर से आए तबला वादक विवेक नवले ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए तीन ताल में पंजाब घराने का बजाज पेश किया। इसके बाद तिरकीट का कायदा बजाया, खरगोश सांप की चाल पर कायदे, रेला और पंजाब की कुछ रेचर वंदिश टुकड़े बजाए। उसका साथ निर्देशक विजय शंकर ने जमकर दिया। ग्वालियर की गायिका साधना गोरे ने गायन की प्रस्तुति देते हुए राग राजकली की रचना बोल, आज राजतुरे अब ना जगाओ प्यारे मोको, दारिदा बोले सुंदर सारी मोरी, भजन मीरा भजले मन रे गोपाल मना। साधना गोरे के सुरीले गीतों को तबला वादक मनोज पाटीदार, हारमोनिया वादक महेश दत्त पांडे और सहयोगी गायिका शिमता महाजनी ने सजाया दिया। दिल्ली से आए सरोज वादक प्रभात कुमार ने बसंत मुखरी के सुरों को निकाला, जिसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग गुनगुनी धूप में भी सरोज का आनंद लेते रहे। तानसेन समारोह में प्रस्तुतियां देने से पहले दिल्ली व इंदौर के कलाकारों ने पंडावली, मितावली और फिर बटेश्वरों को देखा तो देखते ही रह गए। तबला सरोद वादक प्रभात कुमार व तबला वादक विवेक नवले ने कहा कि साल 2024 में 100वां तानसेन समारोह पूरी भव्यता के साथ मनाना चाहते हैं। इसी आयोजन में गूंज पूरे देश में है। दूर अंचलों में संगीत साधना करते वाले संगीत प्रेमियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुरैना क्षेत्र के बटेश्वरा, मितावली, पड़ावली, कनकमठ एवं शनि मंदिर टूरिस्ट प्लेस है, इस क्षेत्र को बढ़ावा मिले। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर नरोत्तम भागवत, बाबा अलाउद्दीन अकादमी के सहायक निर्देशक विजय शवर, SDM मुरैना LK पांडे, SDOP बानमोर दीपावली चंदौरिया आदि मौजूद थे। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।